कर्नाटक में गरजे सीएम योगी आदित्यनाथ। धर्म के आधार पर आरक्षण, कांग्रेस का तुष्टीकरण। त्रेता युग से यूपी और कर्नाटक का संबंध जुड़ा। श्री राम के भक्त हनुमान कर्नाटक में मिले। डबल इंजन की सरकार का भी अभिनंदन करूंगा कि पीएफआई जैसे संगठनों को बैन करके उसकी कमर को तोड़ने का कार्य भी कर्नाटक के अंदर हुआ है। आप सोचिए, एक और डबल इंजन की सरकार जो पीएफआई पे बैन करती है, पीएफआई को बैन करती है, और दूसरी तरफ कांग्रेस जो पीएफआई को तुष्टीकरण करने का कार्य करती है, उन्हें धर्म के आधार पर रिजर्वेशन देने का कार्य करती है, धर्म के आधार पर आरक्षण यह भारत के संविधान के विपरीत है, असंवैधानिक है। हमने अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण के दायरे को बढ़ाया है, दिव्यांग जनों के आरक्षण के दायरे को बढ़ाया है, अन्य जरूरतमंदों को आरक्षण का लाभ दिया है, लेकिन धर्म के आधार पर 1947 में भारत का विभाजन हो चुका है। भारत धर्म के आधार पर आरक्षण की वकालत नहीं कर सकता है, अन्य विभाजन के लिए हम तैयार नहीं है। यह भारतीय जनता पार्टी का मानना है, क्योंकि हम सब मानते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना ही भारत को आगे बढ़ाएगी। उत्तर प्रदेश और कर्नाटक का संबंध आज से नहीं, त्रेता युग से है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के वनवास के सबसे अभिन्न सहयोगी के रूप में कोई मिला था तो बजरंग बली हनुमान जी मिले थे। इसी कर्नाटक की धरती में उनका जन्म हुआ। और इसीलिए आप देखते होंगे ये मित्रता कितनी अभिन्न है, कितनी अभिन्न मित्रता है। और ये भक्त और स्वामी का संबंध किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, दुनिया में जहां कहीं भी भगवान राम का मंदिर होगा वहां हनुमान जी का मंदिर जरूर होगा। और ये संबंधों की व्यवस्था केवल वहीं से नहीं, मैंने यहां पर पहले कहा कि आदि चुनचुनगिरी मठ यहां पर स्थित है, भैरेश्वर स्वामी जी महाराज वहां पर विराजमान हैं, मंजुनाथम ही गोरक्षम, भगवान मंजुनाथ और भैरेश्वर एक साथ यहां पर प्रकट होते हैं। कर्नाटक वही धरती है और उतना ही पुराना संबंध यह उत्तर प्रदेश और कर्नाटक का है। और इसीलिए जब मैं यहां पर आता हूं तो एक आत्मीयता का भाव मेरे मन में पैदा होता है। और कर्नाटक के आप सभी युवा मित्रों के साथ, यहां के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद बनाने में, उनसे मिलने में मुझे उतनी ही प्रसन्नता होती है।